हेलो, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूँ आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों सेलिब्रिटीज़ के जेल के सलाखों के पीछे के दिनों की चर्चा हो रही है। दरअसल इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राज कुंद्रा जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने अपना मुंह छिपा करके लोगों के सामने आना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यूटी 69 का ट्रेलर आया जहां पर उन्होंने अपने जेल में बिताए दिनों को याद किया है। और साथ ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें राज कुंद्रा को जेल में बैठे दिखाया जा रहा था जहां पर बहुत सारे जो कैदी हैं उनके बीच में राज कुंद्रा को बैठाया गया। राज कुंद्रा ने कहा कि मुझे बहुत सारे क्रिमिनल्स के बीच में बैठाया गया था और उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तो हमने भी सोचा कि ज़रा चलिए जानते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, करोड़ों रुपये कमाते हैं, करोड़ों में खेलते हैं, आखिर जब जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं तो क्या ये करोड़ों रुपये उनके काम आते हैं? क्या मिलती है इनको VVIP ट्रीटमेंट, या फिर इनके साथ भी होता है वही व्यवहार जो बाकी कैदियों के साथ होता है? देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो जेल जा चुके हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे हैं और इसी वजह से इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये करोड़ों में खेलने वाले सितारे जब जेल के अंदर बंद होते हैं तो किस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता है? क्या इनका स्टार्डम वहाँ काम करता है, या फिर आम जेल में बिताए जाने वाले आरोपी की तरह इनकी जिंदगी बन जाती है? चलिए आज के रिपोर्ट में जानते हैं कि कौन से सेलिब्रिटीज के साथ जेल में किस तरीके का सलूक हुआ है, क्या इन्हें कोई VVIP ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर आम जिंदगी की तरह रखा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज कुंद्रा के बारे में। देखिए, राज कुंद्रा की फिल्म UT69 आ रही है। खुद राज इस फिल्म को लेकर के आ रहे हैं तो जरा उनका जिक्र कर लेना सबसे पहले जरूरी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा अपनी फिल्म UT69 लेकर के आ रहे हैं। इसमें साल 2021 में उनके जेल जाने की कहानी दिखाई जाएगी। साल 2021 में राज कुंद्रा पर अडल्ट फिल्में बनाने और उन्हें पब्लिश करने का आरोप लगा था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। करीब 2 महीने तक जेल में रहने के बाद उन्हें बेल मिली थी। हाल में ही राज ने UT69 के ट्रेलर लॉन्च पर जेल के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने बताया कि जेल में बिताए वो 63 दिन मैं नहीं भूल सकता। आर्थर रोड की जेल के एक डिटेंशन सेंटर की तरह हमें रखा गया था, जहां मेरे साथ क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया जा रहा था। मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूं। मैंने शिल्पा से कहा था कि अगर मैं गिल्टी साबित हुआ तो मैं शर्म के मारे ही मर जाऊंगा, पर हम दोनों को कानून पर भरोसा था। मैंने जेल में कुछ दोस्त भी बनाए, और वैसे भी आप जब किसी के साथ ज़्यादा दिन तक रह जाते हैं तो उनके साथ आपका कनेक्शन भी हो जाता है। इस तरीके से राज कुंद्रा ने बताया कि किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती थी, कैसे क्रिमिनल के जैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता था। राज कुंद्रा एक सफल बिजनेसमैन है, लेकिन उनका स्टार्डम और उनकी करोड़ों की संपत्ति जेल जाने के बाद धरी की धरी रह गई। अब बात कर लेते हैं शाहरुख खान की। जी हाँ, क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि शाहरुख खान कभी जेल गए हैं या नहीं? अगर नहीं फरमाया तो आपको बता दें कि शाहरुख खान भी जेल गए हैं। आखिर वो कौन सा मामला था जिसमें किंग खान शाहरुख खान भी जेल की हवा खा चुके हैं? शाहरुख ने हॉलीवुड के फेमस होस्ट डेविड लेटमैन के साथ इंटरव्यू दिया और उन्हें बताया कि कैसे एक जर्नलिस्ट के साथ मिसबिहेव करने के आरोप में उन्हें एक दिन के लिए जेल हुई थी। वैसे तो जेल महज एक दिन के लिए हुई, लेकिन शाहरुख को क्या सबब मिला उसके बारे में शाहरुख कहते हैं कि मैं एक मैगजीन के एडिटर से मेरी जोरदार लड़ाई हो गई, क्योंकि वो मेरी और मेरी को एक्टर के बारे में गलत खबरें फैला रहा था और इस वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मैं वहाँ गया, बहुत चौड़ में गया था, लेकिन असल में मैं बहुत परेशान था। पुलिस ने मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की। जेल के अंदर गंदगी थी और मैं बहुत डरा हुआ था। तो ये तो आपने सुना शाहरुख खान का एक्सपीरियंस कि कैसे बॉलीवुड के किंग खान जेल गए, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन पुलिस ने उनके साथ भी कोई नरमी नहीं रखी। अब ज़रा बात कर लेते हैं सलमान खान की। सलमान खान कई बार जेल जा चुके हैं। एक बार तो ऐसा मामला सामने आया था कि सलमान खान की आंखों पर निशान भी थे। सलमान खान के बारे में ये भी कहा गया था कि पुलिस ने
सलमान खान को अच्छे से ट्रीट किया है, यानी कि उनके साथ हाथापाई भी की है। फिलहाल अगर बात करें सलमान खान के मामले की, तो साल 1998 में काला हिरण के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान 4 बार जेल जा चुके हैं, हालांकि हर बार उन्होंने 3 से 4 दिन ही जेल में बिताए हैं और आरोप साबित ना होने के कारण उन्हें बेल भी मिल गई है। एक पुराने इंटरव्यू में सलमान ने जेल का अनुभव भी शेयर किया है। वैसे तो उन्होंने बिग बॉस के सेट पर भी एक बार जेल का अनुभव शेयर किया था, लेकिन हम पहले बात करेंगे इंटरव्यू की। एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा था कि मैं उस समय पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। सबसे बड़ी टेंशन वहाँ ये थी, बाथरूम। एक रूम में 10 कैदी रहते थे और सब एक ही तरीके के टॉयलेट को यूज करते थे। सुबह जिस गम में चाय मिलती थी उसमें दाल चावल भी दिया जाता था, आपको उसी एक मग में खाना खाना था, उसे में चाय पीनी थी और फिर उसी से नहाना भी पड़ता था। मैं जेल में 3 बार वर्कआउट करता था, तो ऐसे ही मुझे बड़ी मुश्किल आती थी अपनी जेल के दिनों में खाना खाने में, वॉशरूम तक इस्तेमाल करने में। इस बात का जिक्र एक बार सलमान खान ने बिग बॉस के सेट पर भी किया, जहां सलमान ने बताया कि जेल के बिताए दिनों में वो वॉशरूम खुद साफ किया करते थे। तो इस तरीके से आपने जाना सलमान खान के बारे में कि कैसे सलमान खान को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाता था जैसे बाकी कैदियों को किया जाता है, और जेल के अंदर बाकी कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। एक ही मग में चाय, एक ही मग में खाना और उसी से नहाना, ये बेहद मुश्किल भरी जिंदगी जिसको काटने के बाद सलमान खान की एक दुनिया को देखने की सोच हमेशा के लिए बदल गई। अब बात कर लेते हैं संजय दत्त के बारे में, क्योंकि संजय दत्त ने एक लंबा वक्त जेल में बिताया है। संजय दत्त ने मुंबई ब्लास्ट के दौरान घर में अवैध हथियार रखे थे, जिसकी वजह से उन पर आरोप लगे, 6 साल की सजा भी सुनाई। हालांकि करीब 5 साल तक पुणे की यरवदा जेल में बंद थी। 1 साल पहले इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने अपना जेल का एक्सपीरियंस शेयर किया। संजय दत्त ने बताया कि जेल में आपको सिर्फ फिजिकली बंद नहीं किया जाता, बल्कि मेंटली भी आपको खुद को यहां समझना पड़ता है कि आप अब अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। शुरुआत में तो मैं बहुत रोता था, क्योंकि दिमाग में यही चल रहा होता था कि अपने परिवार से दूर 6 साल कैसे गुजारूंगा। पर फिर मैंने सोचा कि मैं इसे पॉजिटिव तरीके से लूंगा, और मेरा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था। मुझे अपने बैरक में अकेले रखा गया था। इन 6 सालों में मैंने कुकिंग, पेंटिंग, वर्कआउट जैसी काफ़ी सारी चीज़ें की। तो ये थी बॉलीवुड स्टार्स के एक्सपीरियंस की बात, जहाँ पर आपने जाना कि कैसे ये स्टार्स भी करोड़ों कमाने के बाद जब जेल में जाते हैं, जब इन पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो कानून हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव करता है। और ये भी जाना कि कैसे क्रिमिनल्स के साथ जेल में बर्ताव किया जाता है। इन सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, और इनके एक्सपीरियंस के जरिए ये जाना जा सकता है कि उन तमाम कैदियों से भी उसी तरीके से बर्ताव किया जाता है जो बड़े संगीन आरोप में जूझ रहे होते हैं, और कई लोग उसमें दोषी तो कई निर्दोष भी होते हैं। तो देखिए आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कि कैसे सभी कैदियों ने, या यू करें सेलिब्रिटीज़ ने, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इस एक्सपीरियंस से ये साफ पता चलता है कि भले ही सेलिब्रिटी हो, राजनेता हो या फिर कोई और आम कैदी, सभी के साथ कानून एक ही है, एक ही तरीके से बर्ताव करता है। लेकिन खास बात तो ये है कि कई ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई भी हैं जिसमें राजनेताओं के साथ VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब फिलहाल वो तस्वीरें चर्चा में तो रहती हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ के इस एक्सपीरियंस के बाद एक बात तो साफ हो चुका है कि अब कोई भी सेलिब्रिटी इस तरीके के गलत कदम उठाने से 100 बार सोचेगा, ताकि उन्हें इस तरीके के दिन का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ।